या तो जिंदगी में बड़े कांड किए बैठे हो या फिर अपनी जिंदगी के लिए सीरियस हो गए हो। और दोस्तों यही दो कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आप आज ये वाली वीडियो देखने के लिए आए हैं। दोस्तों वीडियो का नाम तो आप पढ़ ही चुके हैं कि हाउ टू डिलीट योर स्नैपचैट अकाउंट। और दोस्तों कुछ ना कुछ तो ऐसी जीवन में घटना घटी है आपके साथ कि आज आपको ये कांड करना पड़ रहा है। तो दोस्तों इस कांड में मैं आज आपका सहयोग करने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग अपने स्नैपचैट अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, या अगर अंग्रेजी में कहूं तो भाई हाउ टू डिलीट योर स्नैपचैट अकाउंट फ्रॉम योर एंड्रॉइड फोन। सो दोस्तों iOS वाले तो जो है अमीर लोग हैं उनके लिए डायरेक्टली एक ऑप्शन मिल जाता है टू डिलीट योर स्नैपचैट अकाउंट। बट दोस्तों यहाँ पे हम लोग हैं गरीब लोग और हमें यहाँ पे मिलता नहीं है डायरेक्ट ऑप्शन टू डिलीट योर स्नैपचैट अकाउंट। और दोस्तों इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों स्नैप खेलने के बाद भी अगर आज आपका मन भरा नहीं है या फिर आज आपका मन भर आया है किसी भी कारणवश, तो आज कर ही दीजिए ये वाला कांड, क्योंकि काफी टाइम से ये वाला कांड पेंडिंग था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हाउ टू डिलीट योर स्नैपचैट अकाउंट की वीडियो में। तो दोस्तों पहला स्टेप आपको जो करना है वो दोस्तों ये है कि सबसे पहले आपको अपना स्नैपचैट अकाउंट को खोल लेना है या फिर स्नैपचैट ऐप को खोल लेना है मोबाइल डिवाइस के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पे जाने के बाद आपको जाना है अपनी प्रोफाइल के अंदर जो कि दोस्तों ये। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप लड़का हैं या लड़की हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी शक्ल भी यहाँ पे लगी हुई होगी। मेरी शक्ल पे मत जाइएगा, मैं बड़ा ही शरीफ आदमी हूँ। और दोस्तों यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे देखेंगे आप काफी सारी सेटिंग्स। पर दोस्तों यहाँ पे स्टेप टू आपके लिए है कि आपको यहाँ पे ये ऊपर सेटिंग्स वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे ढूंढना है कि डिलीट का ऑप्शन कहाँ है। और दोस्तों अगर आप ये ऐसा काम करेंगे तो आपको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन डायरेक्टली नहीं मिलने वाला, करेक्ट। और दोस्तों इसीलिए मैं आज आपकी हेल्प करने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको ढूंढना है आई नीड हेल्प। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने मुझे बोला कि आपको हेल्प चाहिए, वैसे ही मैंने भी कहा कि आप भी स्नैपचैट से हेल्प मांगो। तो दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन है सपोर्ट का, वहां पे लिखा हुआ है आई नीड हेल्प। दोस्तों इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास काफी सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे स्नैपचैट सपोर्ट की तरफ से। और दोस्तों इसी में सारा खेल अपने को करना है टू डिलीट योर स्नैपचैट अकाउंट। दोस्तों यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे पाएंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेजिंग माई अकाउंट। और दोस्तों इस पे आप क्लिक कर दीजिए। दोस्तों इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट और रीएक्टिवेट माई अकाउंट। और दोस्तों जो लोग सोच रहे हैं कि भाई मुझे मिल गया ऑप्शन और मैं अब इस वीडियो को छोड़ देता हूँ, उनको बता देता हूँ कि अभी काम आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। और अगर आपको लगता है कि आपको मिल गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप बिना देखे वीडियो को अपना चैनल या अपना अकाउंट डिलीट कर पाए या नहीं कर पाए। दोस्तों अभी हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे और दो ऑप्शन आए, हाउ टू डिलीट माई स्नैपचैट अकाउंट या हाउ डू आई रीएक्टिवेट इट। दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा यहाँ पे बाबा जी जो है ज्ञान देंगे कि भाई अगर आपका iOS डिवाइस है तो आप तो इजिली कर पाएंगे, आपको डिलीट अकाउंट का डायरेक्ट ऑप्शन मिलेगा। पर अगर आप लोग गरीब लोग हैं और अगर आप भी एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं मेरी तरह, तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक पोर्टल पे जाना पड़ेगा जिस पोर्टल के थ्रू आप लोग अपने स्नैपचैट अकाउंट को डिलीट कर पाएंगे आफ्टर 30 डेज। दोस्तों इस पोर्टल को यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अकाउंट्स पोर्टल जिसका नाम है, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा अगर आपको चाहिए हो तो। दोस्तों यहाँ पे आपकी सारी कहानी होने वाली है जहाँ पे आपको यूज करना है डिलीट अकाउंट का फीचर। और दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत बड़ी गाथा मिलेगी, महाभारत से बड़ी नहीं है बट थोड़ी सी है, पढ़ लेना शायद काम आ जाए, और नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए बैठा हूँ यहाँ पे और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको लिखा हुआ है आपकी आईडी जो कि मेरी आईडी है, फॉलो करना हो तो कर लेना, और यहाँ पे आपका पासवर्ड। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पासवर्ड डालेंगे, तो दोस्तों पासवर्ड हम लोगों ने डाल लिया है, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा कंटिन्यू पे, और दोस्तों अभी हो जाएगा कमाल। दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट डीएक्टिवेटेड। दोस्तों इसका यहाँ पे दो मतलब है, पहला ये कि अभी भी अगर आपको रिट्रीव करना है, अगर आपको लगता है कि आपका पैचअप हो गया, मतलब जो कांड हुआ आपने किया था वो अब आपका रिजॉल्व हो गया है, तो भाई अब आप उसको वापस रीएक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका कांड कुछ ज्यादा ही बड़ा है तो भाई आप उसको रीएक्टिवेट मत कीजिएगा, लास्ट अगले 30 डेज के अंदर अंदर ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ सारी कहानी यहीं पे लिखी हुई है इंग्लिश के अंदर, अगर आपको समझ में आ जाती है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप मेरी वीडियो को सुन ही रहे हैं। अब दोस्तों प्लीज और प्लीज एक कमेंट जरूर कर देना कि कांड ऐसा क्या हुआ जो आपको डिलीट करना पड़ा है अपना स्नैपचैट का अकाउंट। दोस्तों मैंने तो सिर्फ आप लोगों के लिए किया है, अब आप किसके लिए कर रहे हैं ये जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो चलो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक